सद्गुरु कबीर का एक बहुत सरल पद है भजन, रिकॉर्डिंग में बहुत बजता है ये। और बहुत मार्मिक है, साहब कहते हैं कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आदमी क्या चाहता है? मगन से जीना, आनंद से, सुख से, प्रसन्नता से जीना। हर आदमी सुखी तो चाहता है, सुख पाने के लिए आदमी सब कुछ कर रहा है। जो लोग गलत काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं काम गलत है, वो गलत काम करने वाले भी गलत काम को सुख पाने के लिए ही करते हैं। कोई चोर है, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो कितनी बदनामी होती है, अपमान होता है, मारा पीटा जाता है, जेल हो जाती है, सजा हो जाती है। सब जानते, किसी से पूछो चोरी करना अच्छा काम है या गलत काम, तो चोर भी कहेगा भैया नहीं, चोरी करना गलत काम है। लेकिन किसी चोर से पूछो तुम चोरी क्यों करते हो, सुख पाने के लिए कि दुख पाने के लिए, ये थोड़े कहेगा कि दुख पाने के लिए चोरी करता हूँ, सुख पाने के लिए ही करता हूँ कहेगा। एक आदमी है शराबी है, शराब पी करके बेहोश हो जाता है, कहीं नाली में पड़ाता है, कहीं कुछ ऐसा रहता, मक्खी भिन भिनाती रहती है, पैसा बर्बाद हो गया। उसे पूछो शराब पीने से क्या मिलता है, क्या फायदा है, कहे भैया बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। तो जितने भी गलत काम करने वाले हैं, चाहे कोई हो, दुख पाने के लिए गलत काम नहीं करता, पर ना उन्हें दुख मिलता है वो बात अलग है। लेकिन काम क्यों करता है वह? सुख पाने के लिए। भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म का काम करता है, आदमी सेवा भक्ति का काम करता है, तीर्थों में जाता है। क्यों करता है? सुख पाने के लिए। दुख पाने के लिए आदमी कुछ नहीं करता, जो करता है सुख पाने के लिए ही करता है। अब सुख कहाँ है, कैसे है, ये बात अलग है। आदमी सुख चाहता है, लेकिन एक होता है सच्चा सुख और एक होता है झूठा सुख। आदमी झूठे सुख के पीछे दौड़ रहा है। झूठा सुख क्या है? अभी तो मिले और छूट जाए, और परिणाम में दुख पैदा कर ले। थोड़े समय जो रहने वाला सुख है वो सुख झूठा सुख है, जिसमें
दूसरों की आवश्यकता होती है, दूसरे की, वो झूठा सुख। और सच्चा सुख क्या है? जो सुख सब समय रहने वाला है, बिना पैसे के मिल जाता है, सदा रहने वाला, और जिसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, वो सुख सच्चा सुख है। सिनेमा देखने में सुख आता है तो पैसा चाहिए, और सिनेमा देखने नहीं मिला तब से सुख नहीं मिलेगा। कितने समय तक सुख मिलेगा सिनेमा देखने में? 2.5 घंटा 3 घंटा सिनेमा चलेगा, उतने समय तक सुख मिलेगा, उसके पश्चात वो सुख गायब हो गया। समय भी लगा, पैसा भी खर्चा हुआ, काम का नुकसान भी हुआ, और अंत में वो सिनेमा देखने का सुख छूट गया। लड्डू खाने का, मिठाई खाने का सुख है तो या तो किसी से मांगना पड़ेगा, भैया मुझे लड्डू खिला दो, मिठाई खिला दो, या नहीं तो खरीदना पड़ेगा पैसे से, और पैसा से खरीदोगे तो पैसा कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जितने समय तक लड्डू खाए या मिठाई खाए, कितना समय तक खाओगे? मिनट, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा लड्डू नहीं खा, ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकोगे। ज़्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, वो बीमारी पैदा कर देगी मिठाई। तो खाते समय तक सुख, और जैसे लड्डू खाना या मिठाई खाना बंद के, वो सुख गायब हो गया। तो ये झूठा सुख है, क्योंकि बाहर से आ रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कछ मूठी कछ गोद। आदमी झूठे सुख को सुख कहता है और उसी में भूला रहता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कोई जानवर मर जाता है तो लोग गांव के बाहर ले जाकर के जानवर को फेंक देते हैं। शाम निकालने वाले लोग आकर शाम निकाल लिए, वहाँ से कर लिए, और कुत्ता सियार चील गीध आकर मांस खा लिए, सब खत्म। अब हड्डी बिखरी रहती है यहाँ वहाँ पर, अब हड्डी में कुछ नहीं है। अब कोई कुत्ता आया, हड्डी मिली तो उस हड्डी को दबा करके कुत्ता भागता है और उसको चबाता है ज़ोर से, लेकिन उसमें ना मांस का कण है, ना एक बूंद खून है, लेकिन कुत्ता कितने समय तक उसको कितने चाव से। कुत्ता हड्डी चबा रहा हो, उसके सामने दूध मलाई रख दो ना तो ताकेगा भी नहीं, वो इतना पसंद है उसको, और क्या मिल रहा है उसमें। लेकिन कुत्ता समझता है इसमें बड़ा सुख आ रहा है। कैसे होता है? जब कुत्ता हड्डी को चबाता है ना तो सुखी हड्डी है, तो उसके कुत्ते के जबड़े से खून आता है। कुत्ता समझता क्या है? ये खून, ये स्वाद जो आ रहा है हड्डी से आ रहा है, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं। अंत में क्या होता है? कुत्ता हड्डी को छोड़ देता है, चला जाता है, उसे पेट थोड़े भरेगा। तो झूठा सुख। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को खिलौना मिल जाता है, अब बच्चे खिलौना खेलने में कितने मगन हो जाते हैं, लेकिन कब तक खिलौना खेलेगा बच्चा? थोड़े समय तक, अब उसको फेंक देता है, तो ये झूठा सुख आता है। गाँव में अब तो गाँव में भी गली गली में पक्की सड़क बन गई, सीमेंटेड, अब धूल गर्दा कहाँ है,
पहले होता क्या था, कच्ची गलियां थी गांव की, धूल गर्दे और छोटे छोटे बच्चे उसी धूल में बैठे रहते थे, एक दूसरे पर धूल उड़ाते भी थे और धूल का धूल से घर बनाते थे, चूल्हा बनाते थे, बर्तन बनाते थे, हलवा पूड़ी बनाते थे, क्या होते और कितना चाव से खाते थे बच्चे। हम लोग तुम लोग भी किए होंगे, हम लोग भी किए होंगे वैसे। और उस समय बच्चे को कुछ कह दो तब वो उसके घर अंदर को बिगाड़ दो तो उतने कितना आता है। अब बच्चे खाते भी हैं, धूल है झूठा खाते भी हैं और खाते हैं यार, हलवा तो बहुत बढ़िया बना, खूब पेट भर के खाया है, झूठा सुख कुछ है नहीं उसमें, छूट गया वो। ऐसे ही हमें बाहर से जो सुख मिलता है ना, चाहे कहीं से भी मिले, वो सुख झूठा सुख होता है, थोड़े समय रहने वाला सुख होता है। लेकिन हमारा मन उसी झूठे सुख में भूला रहता है और झूठे सुख में जो भूला रहेगा उसे सच्चा सुख का आनंद नहीं मिलो, वो जान भी नहीं पाएगा सच्चा सुख कहाँ है। तो साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये दुनिया के लोग, झूठे सुख को सुख कहते हैं और उसी में रात दिन डूबे रहते हैं, भूले रहते हैं। अंत में एक दिन होता क्या है, काल का चबेना बन जाते हैं लोग। काल आता है, चबा करके ले जाता है, सब यह के ही रह जाता है। तो जो बाहर से मिला वो सुख होता है झूठा सुख, और उसी सुख के पीछे क्या हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। सच्चा सुख क्या है, जिसमें दूसरे की आवश्यकता ना हो, अच्छे विचार का सुख, अच्छे कर्म का, अच्छे व्यवहार का सुख, अच्छे सोच का सुख, अपने मन को निर्मल बना लेने का सुख हर समय रहने वाला है। देखो थोड़ी सी बात गहराई से समझने की बात है, एक होता है चाहिए का सुख अब एक होता है नहीं चाहिए का सुख। तो चाहिए बाहर की चीज, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चांदी, गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मिठाई चाहिए, घर द्वार चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब बाहर है। उसमें जो सुख आएगा ना वो झूठा, ये सब व्यवहार के लिए है, जमीन जायदाद खान खेत खलिहान रुपये पैसे मठ मकान, ये सब व्यवहार के लिए है, जीवन जीने के साधन हैं ये, इनके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। लेकिन रुपया में, पैसा में, कपड़े लत्ते में, गहने में, मठ में, मकान में, अन्य चीज़ों में, गाड़ी घोड़ा में सुख मिलता तो आदमी जीवन में कभी दुख ना होता। ये तो सबके पास है कम ज़्यादा मात्रा में। तो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसका सुख सदैव अधूरा रहेगा और झूठा होगा। अब नहीं चाहिए, काम करते जाओ, चीज़ें मिलती जाएगी निर्वाह के लिए, इसमें आवश्यकता नहीं है दूसरे की, तो ये सच्चा सुख है। हमें अपने मन को शांत रखना है, इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए कि और क्या चाहिए, मन को निर्मल बना लेना है, अपने विचार को अच्छा बना करके रखना है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो सुख है, दूसरों से प्रेम से बात करो, मीठी वाणी में बात करो, दूसरों का आदर सम्मान करो, मीठा बोल करके देखो, अच्छी बात बोल करके देखो,
सामने वाला भी खुश और अपना भी खुश। अच्छी बात सोच करके देखो, जितना अच्छी बात सोचोगे उतना खुश सुख तत्काल तत्काल, ये भीतर का सुख है सच्चा सुख। और हर आदमी इस सुख का अनुभव कर सकता है। कुछ लेना ना देना मगन रहना, किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, फिर सदैव मगन रहोगे। अब क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है, व्यवहार तो लेन देन का व्यवहार होता है। कुछ चीजें हम दूसरों को देते हैं और कुछ चीजें हम दूसरों से लेते हैं, तभी व्यवहार चलता है, तभी जीवन चलता है। और साहब कहते हैं कुछ लेना भी मत और कुछ देना भी मत, तो ये लेने देने वाली जो बात है ये बाहर वाली बात नहीं है, भीतर वाली बात है। कुछ न लेना मतलब कोई आदमी यदि गलत काम कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसकी नकल मत करना कि वो ऐसा गलत काम किया तो हम भी ऐसा गलत काम करें। और आदमी यही करता है, किसी को अच्छा काम करते देखकर आदमी अच्छा काम भले ना कर सके, लेकिन किसी को गलत बात गलत काम करते देखकर आदमी जरूर गलत काम कर लेता है। कोई आदमी किसी को गुस्से में कोई बात कही या किसी ने किसी दूसरे आदमी को गाली दे दी, जब वो गुस्से में बात किया तो ये सामने वाले भी गुस्से में बात कर लिया, एक ने गाली दी दूसरे आदमी ने गाली दे दी, तब कहते हैं अरे तुम गुस्सा क्यों करते हो, उन्होंने गुस्सा किया तब मैंने गुस्सा किया, उन्होंने मुझे गाली दी तब मैंने गाली दी। यहां आदमी कहता है। अब दूसरा आदमी जब प्रेम से बोलता है तब तो आदमी नहीं कहता भाई उन्होंने ऐसा प्रेम से बोला तो मैं उससे और बढ़िया प्रेम से बोलूंगा, ऐसा नहीं कहता आदमी। अच्छाई की नकल नहीं करता, बुराई की नकल करता है। और जितने बुराई की नकल करोगे उतना ही जीवन में दुखी होते चले जाओगे। गलतियां सबसे होती है, अपने से गलती हो गई तो उस गलती का त्याग करो, और दूसरों से गलती हो गई तब उस गलती करने करके वैसी गलती मत करो। एक आदमी आग में अपना हाथ डालता है और उसको आग में हाथ डालते देखकर हम भी आग में हाथ डाले तो क्या होगा, वो कहां तो जलेगा जलेगा और हमारा हाथ भी जल जाएगा, फायदा क्या हुआ। कोई गलत काम करना एक प्रकार से आग में हाथ डालना है, उस गलत काम का फल आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। यहां कोई माफी की गुंजाइश नहीं है, कोई ये समझे कि हम गलत काम कर ले गलत बात बोल ले और गलत काम करके मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर लेंगे भगवान से क्षमा मांग लेंगे तो हमारा गलत काम का जो पाप है वो कट जाएगा, तो धोखा है। कोई भगवान किसी के पाप को काट नहीं पाएगा और काट पाता भी नहीं है। जिन्हें भगवान कहा गया है वो लोग भी गलती किए तो उनकी सजा उनका दंड उनको भी भोगना पड़ा, बड़े बड़ों को भोगना पड़ा।
पुराणों में पंडितों ने ही लिखा कि विष्णु ने नारद का मुख बंदर का बना दिया, तो त्रेता युग में विष्णु राम हुए, उनकी पत्नी हरि गई और बानर की सहायता की, उनका फल भोगना पड़ा। राम ने बाली को छिप करके मारा तो द्वापर युग में राम कृष्ण हुए और बाली जरा नाम का बहरिया हुआ, और उसी बहरिया के बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो और भी बहुत बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं। तो जब जिन्हें भगवान कहकर पूजा करते हैं उनको भी अपने कर्मों का फल मिला, और हम चाहते हैं कि उनकी पूजा करके पाप कर्म के फल से बच जाएंगे। कोई उपाय नहीं है, पूजा करो, पाठ करो, जो करना धर्म के नाम पर वो सब करो, लेकिन पाप से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। और ये देखा जाए तो आदमी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म। और धर्म मतलब क्या है? अच्छे कर्म, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, ये धर्म है। ये कह सकते हैं कर्म ही धर्म है। पूजा पाठ, नाम जप, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, ये धर्म नहीं है, ये सब कर्म कांड है। धर्म क्या है? अच्छा आचरण, अच्छा कर्म, कर्म ही धर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्म ही हमारा साथी है, कर्म हमारा सहयोगी है, और कर्म ही आदमी का बेटा है। आदमी शादी विवाह करता है, बच्चे हो जाते हैं, तो उन्हें पालना पोतना लिखाना पढ़ाने योग्य बनाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा हो जाएगा तभी सुख मिलेगा, और नहीं होगा तो दुख मिलेगा, सब कुछ नहीं है। सुख दुख तो अपने कर्म से मिलते हैं। कर्म अच्छे हैं, बेटा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कर्म बुरे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दुख तो आना ही आना है। एक स्टेशन था रेलवे का, उसी बगल में थोड़ी दूर पर एक कमरे का छोटा खपड़े मकान बनाकर एक आदमी रहता था। उम्र काफी हो गई थी, 50-55 साल की उम्र रही होगी। पति पत्नी दोनों रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। सामान्य आदमी, तो उसकी पत्नी घर में चाय बना देती थी, अब वो गाड़ी आने के समय स्टेशन में जा करके चाय बेच लिया करता था। उससे जो मुनाफा होता था उसी से उन दोनों का गुजर होता था। तो एक दिन वो आदमी गाड़ी आने के समय चाय बनाकर केटली में लेकर के गया और बेचा, तो देखा कि एक किनारे बेंच पर दो बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुए हैं। सोचा कि कहीं जाने वाले होंगे, कुछ बोला नहीं। उसकी चाय बिक गई तो घर आकर अपनी पत्नी से फिर कहा, और एक बार चाय बना दो, फिर गाड़ी आने वाली है, एक बार और बेच ले, बेच कर आ जाता हूँ तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल जाए। उसकी पत्नी ने फिर चाय बना कर दे दी, आदमी फिर चाय लेकर गया, बेचता रहा। देखा कि शाम हो रही है और ये दोनों बूढ़े बूढ़े बैठे ही हैं बेंच पर, अब बहुत देर हो गए। तब वो व्यक्ति चाय बेचने वाला उस बूढ़ा बूढ़ी के पास गया और कहा कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं,
कहाँ जाना है आपको, कौन गाड़ी पकड़ना है, आप मुझे बता दो तो मैं आपको गाड़ी बैठा दो। तो कहा बेटा हमके जाना नहीं है, हमारे छोटे बेटे ने हमको यहाँ लाकर बैठा दिया है और कहा है कि भैया आने वाला, मतलब हमारा बड़ा बेटा आने वाला है, वो आप लोगों को आकर के ले जाएगा, यदि वो ना आए तो एक चिट्ठी दे दी है कि यहाँ चले जाना। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, चिट्ठी में क्या लिखे हैं, तुम ये चिट्ठी बता दो, अभी सुबह से शाम तक हो गए, अभी बड़ा बेटा तो आया नहीं है, ये चिट्ठी में क्या लिखा है, कहाँ पता लिखा है, पर बता दो। तो आदमी चिट्ठी पढ़ता है, उसमें उसके छोटे बेटा ने लिखा था, ये मेरे माता पिता हैं, यदि मेरे बड़े भाई आ जाते ना साथ ले जाएगा, यदि बड़े भाई न आए तो इनको कृपया किसी वृद्धाश्रम में भेज देना। इतना पढ़ता तो आदमी तो चिट्ठी गिर गई उस हाथ से, ये तो इसके तो दो दो बेटे, एक हाल ये है, और मैं सोचता मेरा बेटा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये दास दुखी कि मैं दास दुखी। तो हमारा असली बेटा, असली सहायक, असली मित्र, हमारा असली भगवान धर्म है। और धर्म क्या है, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा कर्म। यदि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा कर्म गलत है तो लाख भगवान मिलकर के हमारे दुख को काट नहीं पाएंगे, दुख मिलना ही मिलना है। और यदि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे कर्म, हमारे मन के विचार अच्छे हैं, निर्मल है, पवित्र हैं, तो हमें किसी भी भगवान की आवश्यकता नहीं है, हमारे कर्म ही हमारे लिए भगवान बन गए हैं। ये भी कहा भी गया है, आदमी या तो अच्छा कर्म करता है या आदमी गलत कर्म करता है। कर्म तो कर लिए, कर्म छूट गया, लेकिन कर्मों के संस्कार हमारे मन पर अंकित रह जाते हैं, छाप बन जाती है उनकी, फिर उसी के परिणाम में हमें सुख और दुख मिलते हैं। जो आदमी गलत सोच करके गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, उसके पीछे पीछे दुख उसी प्रकार घूमता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए घूमते हैं। अब तो बैलगाड़ी जमाना नहीं रह गया, लेकिन फिर वे भी कहे तो है, सब जानते हैं। गाड़ी में किसान बोझा ला देता है, बैल को जोत में जोत देता है, अब बोझा भार बैल खींच रहे हैं, अब बैल के पीछे पैर के पीछे के पहिए पीछे ही पहिया है, कभी कभी पहिया बैल के पैर को ठोकर भी मार देता है, अब बोझा भी खींच रहा है। तो यदि हम गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारे पीछे पीछे दुख ऐसे घूमेगा जैसे बैलों के पैर के पीछे पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। और यदि हमारे मन के विचार अच्छे हैं, निर्मल है, पवित्र है, और उस विचार के साथ हमारा कर्म व्यवहार आचरण भी पवित्र है, तो हमारे पीछे पीछे सदा रहने वाला सुख उसी प्रकार घूमता है या घूमेगा जैसे हमारे पीछे पीछे हमारी छाया। हम कहीं भी जाते हैं, हमारी छाया सदैव पास में रहती, सदैव। क्या आप अपनी छाया को कभी छोड़ सकते हो? कभी नहीं छोड़ सकते। और सदा कहीं भी जाओ, किसी भी समय जाओ, छाया साथ में रहती है। ऐसे ही जो आदमी शुभ कर्म करता है, जिसका आचरण भी पवित्र है और मन के विचार भी पवित्र हैं, उस आदमी के पीछे पीछे सदा रहने वाला सुख घूमेगा। कहीं भी चले जाओ
उसके लिए हर जगह मानो हर रास्ते में फूल बिखरे हुए हैं। और जो आदमी गलत बात सोचता है, ईर्ष्या द्वेष घृणा की बात सोचता है, गलत कर्म करता है, गलत व्यवहार आचरण करता है, वो कहीं जाए उसके लिए मानो हर जगह कांटे और कंकड़ ही बिछे हुए हैं। ये बड़ी सरल सी बात है, लेकिन आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है। कर्म गलत करेगा, बात गलत बोलेगा, व्यवहार गलत करेगा और बात गलत सोचेगा, और मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर लेगा कि भगवान हमें सुख दे दे। ये तो अपने को धोखा देना है। सबसे बड़ी पूजा है अच्छे कर्म करना। तो बाद में कह रहा था, सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सदा सुखी रहना चाहते हो, दुख नहीं उठाना चाहते, तो कुछ लेना मत। मतलब किसी को गलत काम करते हुए देख करके वैसे दुर्गुण है उसकी नकल मत करना। गलत काम करते हुए देख करके तुम गलत काम मत करना, नहीं तो तुम भी जलोगे आग में, जलना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अब कुछ देना मत, देना ने मतलब है जान बुझ करके तन से मन से वचन से किसी को दुख मत देना। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख हो। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसी फसल होती है। धान बोएगा तो धान होगा, गेहूं बोएगा तो गेहूं होगा, चना बोएगा चना होगा। धान बोए और सोचे मुझे गलती हो गई धान बोने में, मुझे तो गेहूं चाहिए, तो कहाँ गेहूं मिलेगा, तो धान बोए हो तो धान ही मिलेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है, हर आदमी हम हर समय हम बो रहे हैं कुछ ना कुछ, या तो पाप के बीज बो रहे हैं या पुण्य के बीज बो रहे हैं, या तो अधर्म के बीज बो रहे हैं या धर्म के बीज बो रहे हैं। अब जो बीज बो रहे हैं उसकी फसल अपने को ही काटनी पड़ेगी। किसान खेत में स्वयं ना जाए और नौकर से कह दे वेर बाप फुर्सत नहीं जाओ कि तुम ये धान बीज ले जाओ और खेत में बो करके आ जाना, तो वो तो नौकर जाकर के खेत में धान बोकर आ जाएगा। फसल तैयार हो गई पार्थी के वघन में, किसान का तो भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, तुम चले जाओ और धान काट करके ले आना, तो नौकर जाकर काट कर ले आएगा। लेकिन जो हम लोग जीवन में कर्म कर रहे हैं ना, यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ कोई भाई और बाप और बेटा और बहू कोई काम नहीं, पति और पत्नी सबको अपने अपने कर्म फल का फल भोगना पड़ेगा, यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। सद्गुरु कहते हैं दुख मत देना। आदमी तन से भी दुख देता है गलत कर के, वाणी से भी दुख देता है गलत बोलकर कटु बोलकर, और मन से भी दुख देता है ईर्ष्या द्वेष करके। तुम मगन रहना चाहते हो ना, मगन रहने का सुखी रहने का बढ़िया तरीका है दूसरों को सुखी करना। मगन रहना चाहते हो तो दूसरों को, दूसरे आदमी मगन हो ऐसा काम करो, तुम्हारा मगन बढ़ जाएगा, और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। पैसा को बांटोगे तो पैसा घटेगा, लेकिन सुख को बांटोगे तब सुख बढ़ जाएगा, दुख बांटोगे तब दुख भी बढ़ जाएगा। क्या क्या बढ़ाना चाहते हो, सुख
या दुख, जो बढ़ाना चाहते हो उसको बढ़ाओ, बांटो। तो आदमी तो चाहता है कि दुख घटे और सुख बढ़े, तो रास्ता यही है। गलत बोल कर, कुछ छल कपट करके, झूठ बोल करके, चालबाजी करके कुछ भी करोगे, पैसा तो कमा लोगे लेकिन संस्कार बिगाड़ डालोगे, दूसरे को तकलीफ दे दोगे और परिणाम में पैसा काम नहीं आएगा। पैसे के बदले में तुम सुख ले लोगे ऐसा नहीं होगा, झूठा सुख मिल जाएगा। तो सदगुरु कबीर ये सरल सी बात है इस साखी में, ये पंक्ति में, कुछ लेना ना देना मगर रहना, किसी की बुराई की, किसी की गलती की नकल मत करना, वैसी गलती तुम दोहराना मत, और किसी को जानबूझ करके दुख मत देना। किसी को अच्छे काम करते देखकर अच्छा काम करो और तन मन वचन से दूसरे को सुख पहुंचाओ, फिर जीवन हर समय आनंद आनंद रहेगा। अगली पंक्ति में साहब कहते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। नदी है बहुत गहरी नदी, अब बहुत पानी भरा हुआ है, अब बहुत तेज धार बह रही है, पार करना है, तैरना आता नहीं है, नाव से बैठकर के पार करना है, लेकिन नाव तो पुरानी है, टूटी हुई है, और टूटी हुई नाव में बैठेंगे तो पानी भर नाव में भर जाएगा और नाव तो डूब जाएगी। तो करना क्या है, आप कहते हैं जो केवट है, यहां केवट का अर्थ मछली मारने वाला नहीं है, केवट कहते हैं नाव खेने वाले को, मल्लाह को, नाविक को केवट कहा जाता है। केवट के दो अर्थ होते हैं, एक मछली मारने वाला और एक नाव चलाने वाला। तो यहां अर्थ है नाव चलाने वाला, नाविक, मल्लाह, उससे मिल करके रहो, उससे मित्रता बना करके रखो तो तुम्हें पार कर देगा। ये नदी बाहर की नदी नहीं है, बाहर की नाव भी नहीं है और बाहर का मल्लाह नहीं है, नदी है हमारे मन की नदी। ये मन की नदी ऐसी नदी है, दिखाई नहीं पड़ती और बहुत गहरी है, बहुत गहरी है ये नदी, इसकी थाह पाना मुश्किल। अब पानी क्या है, इच्छा, कामना, तृष्णा, चिंता, फिक्र, इसी के पानी में आदमी डूबता है। उम्र जवानी में आदमी को होश नहीं रहता, सोचता है कि भजन भजन साधन सत्संग साधु सेवा ये तो बुढ़ापे का है। साहब कहते हैं तुम्हारे जो तुम्हारा जो शरीर है तो बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, अब उसे क्या करोगे। तुम्हारा जो विवेक है वो भी कमजोर है। आदमी सत्संग में जाता है, ज्ञान की बातें सुनता है और तो लगता है बस अब ऐसा ही करूंगा, और जैसे सत्संग से उठा सब बातें भूल गया, फिर वही रास्ता में चल गया। संकल्प आदमी का कमजोर, और जिसका संकल्प कमजोर है वो आदमी किसी भी काम को, चाहे वो व्यवहार का काम हो, चाहे वो सेवा भक्ति परमार्थ का काम हो, देर तक नहीं कर सकता, और देर तक किए बिना सफलता नहीं मिलती। व्यवहार के काम, खेती किसानी नौकरी में तो आदमी देर तक काम कर लेता है, वहां लाभ दिखाई पड़ता है, लेकिन सेवा भक्ति परमार्थ का काम देर तक नहीं, थोड़ा बहुत कर लिया समझते बहुत हो गया, दृढ़ता यहां नहीं आती। जानता है आदमी, समझता भी है लेकिन दृढ़ता नहीं है, धैर्य नहीं है, क्योंकि मन कमजोर है।
कितनी कितनी इच्छा है आदमी के मन में, क्या क्या सोचता है आदमी, दो तीन मिनट में आदमी जितना सोच लेता है ना, पूरी जिंदगी में उतने को पूरा करना वो कठिन है। और आदमी का मन कहां कहां क्या क्या सोचता रह जाता है हमेशा। हर आदमी अपने अपने मन को सोचे तो भला, देखे क्या सोच रहा है मन। आप बताया ना कि दो तीन मिनट में जितना सोच लेता है ना, पूरी जिंदगी भर खूब मेहनत करके वो पूरा नहीं किया जा सकता। तो बात है गहरी नदियां, ये मन की जो नदी है बहुत गहरी, बहुत गहरी, बहुत गहरी। और मन हमारे साथ हमेशा बना है, मन को कहीं छोड़ नहीं सकते, उपाय ही नहीं सुझे नहीं छोड़ने का। इसमें इच्छा तृष्णा लोभ मोह के बड़े बड़े मगरमच्छ भी है, और पानी बहुत तेजी से बह रहा है। कहां डूबता है आदमी, अपने मन में डूबता है ज्यादा। साहब कहते हैं तुम्हें केवट से मिलकर रहना है। ये केवट कौन, विवेक वैराग्यवान जो संत और गुरु हैं वही केवट है, उनसे मित्रता की गाढ़ बनाकर रखा। मानो मित मितय न छोड़े कमो गाठ न खोले। साहब कहते हैं जीव का सहायक कौन, श्री विशाल साहब ने कहा है संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। औरत से यह हुए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत, संत कहीं के भी हो, किसी कपड़े में पहने, लाल कपड़ा, गेरवा कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, कहीं के संत हो, लेकिन बस ज्ञानी होना चाहिए, विवेकी और सदाचारी, त्यागी वैराग्यवान। अब महात्मा ही राग द्वेष करने वाले हो गए, लड़ाई झगड़ा करने वाले हो गए, छद्म करने वाले हो गए, तो ऐसी संगत में कितने महात्मा तो गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले हो, तो जहां जाएगा वहां बिगाड़ेगा लोगों को। तो संत वह है जो किसी प्रकार का नशा दुर्व्यसन नहीं करता, जिसके मन में छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जो साफ मन का है। साहब कहते ऐसे संत से मिलो, वो सहायक है, वही मित्रता, वही सही रास्ते बताने वाले हैं, वही केवट है। कहा जाता है कि मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला है, तो भवसागर कहाँ है, बाहर कहीं नहीं है भवसागर, हमारा मन ही भवसागर है। और गलत विचार जो सोचते हैं ना, वही उसका पानी है, उसी में तो डूब रहा है आदमी। इसलिए अच्छी संगति की आवश्यकता है, जहां से अच्छे विचार मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छे संस्कार मिले, वो संगत की आवश्यकता है। कोई आदमी किसी जुआड़ी के पास बैठता है, तो जुआड़ी के पास बैठते बैठते वो जुआ खेलना सीख जाएगा। चोर के पास बैठेगा तो चोर के बात सुनेगा, तो धीरे धीरे वो खुद चोरी करना सीख जाएगा। लेकिन मान लो जुआड़ी के पास बैठता है आदमी, बराबर किसी जुआड़ी से मित्रता करता है, तो जुआ खेलना भले वो न सीख पाए, भले जुआ ना खेले, चोर के पास बैठता है तो भले वो चोरी ना कर पाए, लेकिन बदनामी तो होगी कि आदमी जुआड़ी के पास बैठता है, जरूर जुआ खेलता है। ये आदमी चोर के पास बैठता है, जरूर ये चोरी करना सीखता होगा। चोर के पास बैठोगे ना, और गांव में चोरी होगी तो पुलिस तुम्हें भी पकड़ेगी, क्योंकि बैठो उसके बाद बराबर
शराबी के पास बैठोगे तो शराबी भला फुला कर शराब पिलाना देगा, शराब पीना दिखला देगा, नहीं पियो बदनामी हो जाएगी। इसलिए संगत का प्रभाव होता है। जीवन को सही ढंग से जीना है, बहुत ऊपर नहीं उठ पाए, घर गृहस्थी में भी आराम से रहना है तो जुआरी शराबी चोर व्यभिचारी छली कपटी का साथ करना छोड़ देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अच्छे लोगों की संगत करना हो। अच्छे संगत में बैठते बैठते धीरे 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 करते करते हमारे विचार अच्छे बनेंगे, विचार अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे बनेंगे, कर्म अच्छे बनेंगे, जीवन अच्छा बनेगा, जीवन अच्छा बनेगा, सुख मिल जाएगा, शांति रहेगी। यहां बात कहा कहते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी के वटिया से मिले रहना, तुम्हारे मन अंदर मन की जो नदी है, ये बाहर बहुत सागर है, ये बहुत गहरा है, तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारा मन है बहुत कमजोर है, इसलिए विवेक वैराग्यवान जो संत और गुरु हैं उनका सहारा लेकर के रहो, उनसे मित्रता जोड़ करके रहो, वो सच्चे मित्र हैं, कभी धोखा देने वाले नहीं है। सच्चे संत से जुड़ करके रहोगे तो अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी, न ऊपर आगे बढ़ पाओगे तो कभी गलत काम से तो बचे रहोगे, इतना बहुत है। पांच तत्व का बना पिंजरा ताने बोले मेरी मैना, पांच तत्व का पिंजरा है, उसमें एक मैना बैठी हुई है, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश, ये पांच तत्व कहने का प्रचलन है। तत्व तो चार ही है, मिट्टी पानी आग हवा, लेकिन आकाश को भी जोड़ देगा, आकाश का थोड़ा सा खाली जगह, उनसे हमारा ये शरीर बना। शरीर क्या है, एक पिंजरा, जैसे आदमी एक पिंजरा बनाता है, तोता या कैसे पक्षी पकड़ कर उसमें डाल देता है, बैठा देता है। साहब कहते हैं कि तुम्हारा शरीर पिंजरा, चलता फिरता पिंजरा है, इसमें मैना क्या है, आत्मा जीव, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ रहा है जीव, वही तो महत्वपूर्ण है। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, बाहरी दृष्टि से देखोगे तो आदमी करोड़ रुपया देकर के भी अपने जीवन को देना नहीं चाहे, लेकिन जैसे शरीर से जीव निकला तब कोई मुफ्त में लेना नहीं चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा हो, बड़े बड़े साधु गुरु हो, उसके शरीर से जीव निकल गया, कहेंगे हमारे गुरु भैया हम इसको हमारे घर में दे दो, कोई कहेगा, कहेगा भैया मुझसे पैसा ले लो हजार दो हजार के, मेरे घर मत रखो इसको, आदमी यही कहेगा ना। तो जिस जीव के कारण से इतना शरीर की कीमत है, शरीर सुंदर दिखता है, उसी जीव को हम भुला करके रखते हैं, दिन भर शरीर को सजाते संवारते रह जाते, दिन भर शरीर की व्यवस्था करते रह जाते, आत्मकल्याण के लिए कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल भूले रह जाते हैं। शरीर है तो शरीर के लिए व्यवस्था करना होगा, भोजन कपड़ा पानी रहने दवाई दर्पण, ये जो कुछ करना है सब करना होगा, लेकिन ये सोचो कि शरीर को मिट्टी में मिलना है, लेकिन मैं जो बोल रहा है जो आत्मा है जी है वो तो नहीं मरेगा ना, तो उसका भी तो ज्ञान करो, उसके कल्याण के लिए तो काम करो, लेकिन शरीर को सजाते सजाते आदमी अपने आप को भूलता चला। वो तो कहानी कही जाती है ना, एक बड़ा सेठ बहुत कारोबार वाला, बहुत बड़ा मकान,
तुम रुपये पैसे दे, मतलब रुपये पैसे। उनका एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल चार से भी नहीं, इधर से कहीं बाहर गया था, मकान में आग लग गई, अब भयंकर आग लगी। सेठ जी को सूचना दी गई, सेठ दौड़े दौड़े आए और आग बुझाने के लिए बहुत से लोग गांव वाले भी जुड़ गए और कहा सेठ जी कहाँ पर क्या क्यों की समा रखा है बताओ। सेठ बताया गया एक कोना ये रखा है, कोना वो रखा, कोना लोगों ने लोग जान जोखिम में डाल करके उस आग में घुस करके सामान निकालते रहे, बहुत सारा सामान निकाल लिया गया। लोगों ने कहा सेठ जी देख लो सब कीमती सामान निकल गए ना, कुछ छूटा तो नहीं, अभी भी अवसर है थोड़ा सा, हम जा सकते हैं। सेठ ने देख कर कहा नहीं भैया अब तो सब सामान करीब निकल गया है। इतने में सेठानी आ गई कहीं बाहर से। सेठ ने सेठानी से कहा सेठानी देखो तो सब जो जरूरी सामान है कीमती सामान वो सब निकाल लिया गया, नहीं निकाले कोई असर नहीं तुम्हारे ख्याल में कि जो सामान जरूरी सामान बचा रह गया हो। सेठानी ने देखा कहा सब तो निकल गया क्या, लेकिन सेठानी ने अचानक कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है। सेठ कहा बेटा हम तो समझे थे कि तुम बेटे को लेकर के बच्चे को लेकर के कहीं बाहर गए होंगे। सेठानी नहीं बच्चा सो रहा था, मैं कुछ काम से गई थी, अमुक कमरा में बैठ में बच्चा सो रहा है, लोग वहां जाकर देखे तो आए बैठो मर। तो लोगों ने क्या कहा सामान तो निकाल लिया गया लेकिन सामान के मालिक को नहीं निकाला जाता। हम लोग यही कर रहे हैं, सामान का मालिक क्या है एक जीव, उसके लिए कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए सारा सामान संभाल रहे हैं, ये संभालो वो संभालो वो संभालो संभालो सबको संभालो लेकिन अपने को भूलो मत। हम सबको संभालते संभालते अपने को बिखरा देते हैं, उसी के परिणाम में फिर पशु पक्षी कृमि के खाने में जाकर के जीव दुख पर दुख भोगता है, कैसे कैसे दुख कष्ट अत्याचार सहन करना होता है। ये शरीर पिंजड़ा है, मिट्टी पानी आग वास्ते शरीर बना हुआ है, इसमें मिल जाएगा लेकिन तुम नहीं मरोगे, तुम हमारा आत्मा हो, उस अमर अपने आत्मा का ज्ञान करो, उसे कल्याण के लिए काम करो। तेरा पिया तेरे मन में बता है खोल कर देखो लेना ता, कहते हैं तेरा जो पिया है तेरा जो परमात्मा है तेरा जो भगवान है ईश्वर है खुदा दार है, बाहर नहीं है आत्मताल में, तेरे भीतर बैठा हुआ है हृदय में, विवेक विचार की आंखें खोल करके देखो तो पता चलेगा। आदमी यहाँ परमात्मा वहां परमात्मा, ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर, ये तीर्थ वो तीर्थ घूमता रह जाता, कहीं चले जाओ आकाश पाताल में कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला है नहीं। चारों का तो मिला मिलाया है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, बाहर नहीं देखते हुए मनुष्य तो दिखाई पड़ रहे हैं चलते फिरते प्राणी, ये परमात्मा है, इनके साथ सुंदर व्यवहार करो, इनकी सेवा करो, सम्मान करो, आदर सत्कार करो, प्रेम से विश्वास से आपस में मिलजुल करके रहो, ये परमात्मा सेवा होगी। अब भीतर जो परमात्मा है तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा तो मिला मिलाया है लेकिन हम समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि बाहर कहीं नहीं, बाहर नहीं मिलने वाला था। आप कहते हैं विवेक और विचार के नेत्रों को खोल करके देखो, ये जो बाहर की आंखें हैं जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं उन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे, उसके लिए तो हृदय भीतर हृदय की आंख वो विवेक और विचार, और हमारा व्यवहार कर्म आचरण सोचना विचारना जितने शुद्ध होगा उतना विवेक विचार की आंखें खुलेगी, तब समझ में आता है, तो बात करके समझे। और इसके लिए कहा कहते हैं गुरु चरणों में निपट रहना, विवेक विचार की आंखें खुली रहे,
बंद है वो आंखें खुल जाए, उसके लिए गुरु के पास जाओ, किसी गुरु से जुड़ो और गुरु से जुड़ करके सही रास्ते पर चलो, तो भी विवेक विचार की आंखें खुलेगी। और जिसके विवेक विचार की आंखें खुल गई, उसके जीवन से दुख सदा के लिए विदा हो जाता है, दो बिस्तर बाद होते। अब विवेक नहीं है, विचार नहीं है, सही समझ नहीं है, तो जीवन दुख के अलावा और क्या है। हर धनी से लेकर के गरीब, गरीब से लेकर के धनी, अनपढ़ लेकर विद्वान, सब दुखी, सब दुखी विवेक और विचार के बिना। विवेक हमारी रक्षा करने वाला है। जैसे अभी बरसात का महीना, गली में कीचड़ कांदो है, कहीं कंकड़ है, कहीं कांटे हैं, अब नंगे पैर चलना पड़ जाए तो कहीं कांटे चुभेंगे, कहीं कंकड़ चुभेंगे, कीचड़ पानी में पैर पड़ेंगे, पैर में गंदगी लगेगी, किंतु बढ़िया मजबूत जूता पहन ले तब न कीचड़ कांदों का डर, न कांटे कंकड़ का डर, आराम से चलते चले जाएंगे। वो विवेक भीतर का जूता है, जो तमाम बाहर के कांटे कंकड़ों से साथ साथ हमें बचा देने वाला है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, गुरु चरणों में लिपट रहना। साहब कहते हैं गुरु की चरणों में लिपट करके रहो, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनके संगत, उनके विचार को भूलो मत। संतों से, गुरुजनों से जो ज्ञान की बातें मिलती है, जीवन में आचरण करते चले जाओ, तब विवेक विचार की आंखें खुलेगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा और फिर जीवन में सदा सदा के लिए आनंद की धारा बह जाएगी। एक छोटा सा पद है पाद पंक्तियों का, सदगुरु कबीर का, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, पांच तत्व का बना पिंजरा तामे बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना, कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु चरणों में लिपट रहना। साहब ने पांच पंक्तियों में बहुत सारी बातें कह दी है, मनन करना है, चिंतन करना है और इसके अनुसार से जीवन व्यतीत करना है, फिर जीवन सदैव आनंद सुख शांति धारा बहती रहेगी और हमारा तन मन सराबोर होकर जीवन में शीतलता शांति आ जाएगी। यहीं पर अपनी वाणी को आज अभी विराम देता हूँ।